बसमीमैक्म वर्क इनमें जूम के हवाले से बात करेंगे कुछ बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका जवाब देना ज़रूरी था तो मैंने कहा एक वीडियो बनाकर आपको बता दूं नंबर एक आप एक बात पूछते हैं और बहुत ज़्यादा जो बात पूछी जाती है वो ये है कि जो वीडियो मैंने बनाई है वो साइन है मून साइन बेस्ड है या वो जो है वो असेंडेंट है या राइजिंग है तो मैंने बारह बताया कि मेरी 99% परसेंट कोशिश ये होती है कि जो भी वीडियो बनाई जाए अच्छा इसमें ना तकरीबन पाँच सवालों का मैं जवाब दूंगा इसलिए आप वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा कंप्लीट वीडियो देखिएगा आपके बहुत से सवालों के जवाब मिल जाएंगे शादी के हवाले से रिलेशनशिप के हवाले से कारोबार के हवाले से बाहर जाने के हवाले से तमाम जो है वो मैं आपको डिटेल से बताने लगाऊँ ठीक है हतमीजा अल्लाह ताला की सद को अखरत करते रहे इंशाल्लाह बेहतर होगा लेकिन हतमीजा अल्लाह ताली किया ठीक है तो सबसे पहली चीज़ है कि जो मैं आपको बता रहा था वो ये है कि क्योंकि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी ने सबसे ज़्यादा काम किया अब ये ठीक है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी इस पर बहुत काम कर रही है इंडिया के अंदर इसके अंदर बहुत काम हो रहा है और इंडिया में जो इल्म नजूम के माहिर हैं क्योंकि उसकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है लेकिन मैं आपको बताऊँ तीसरे नंबर पर चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है ये लहता बात है कि आप उसको फॉलो नहीं करते या आप उनकी सुनते नहीं या आप उनकी मानते नहीं या उनको पढ़ते नहीं लेकिन अगर आप चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी को भी देखें तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन क्योंकि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी ने बहुत ज़्यादा काम शुरू में कर लिया था अभी हम मानूस भी उसी से हैं हम सन साइंस से मानूस है हम अपनी डेट्स ऑफ बर्थ भी उस हिसाब से देख रहे होते हैं पाकिस्तान के अंदर मेजोरटी जो है वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को ही फॉलो करती है अगर आप उनसे पूछें भी तो वो आपको वेस्टर्न के हिसाब से ही बताएंगे तो हम जो देख रहे होते हैं हम अगर किसी की ट्रांज़िट देख रहे हैं और अगर हमारे पास जो इंफॉमेशन है वो तो वेस्टर्न होती है अगर फिर भी मैंने आपको कई दफा बताया कि हम चाइनीज़ और इंडियन दोनों से भी चेक करते हैं अगर इसको कन्वर्ट करके वेस्टर्न में लाया जाए तो क्या इम्पेक्ट आएगा ठीक है और फिर वो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं इसके ऊपर बड़ी मेहनत होती है ये ऐसे ही नहीं होता कि हम उठे और उठ के हम वीडियो बना दें हम बड़ी मेहनत करते हैं फिर उसके बाद बाजार लोग पूछते हैं कि जी इसमें आपने इस चीज़ का ज़िक्र किया इस चीज़ का ज़िक्र नहीं किया घरेलू ख़वान नंबर दो वो अक्सर कहते हैं जी हमारे हमारा जिक्र नहीं हुआ या लोग अक्सर कहते हैं जी बाहर जाने का जिक्र नहीं हुआ या लोग बहुत सी मैंने देखा चैनल्स जो हैं वो बनाते हैं और उस आ, आ, योग के साथ या उस ट्रांज़िट में उन चीज़ों का रिफ्लेक्शन होता ही नहीं लेकिन वो फिर भी बयान कर रहे होते हैं और उनकी वीडियो बड़े शौक से आप देख रहे होते हैं ये जानते हुए भी कि अगर मार्स कहीं पे ट्रांज़िट कर रहा है तो वो क्या असर लाएगा अब विनस की मिसाल ले विनस जो है उसकी ट्रांज़िट जो होती है वो मोहब्बत का सितारा है वो मोहब्बत लेके आता है वो लग्जरी लेके आता है अब उसके साथ वो मोहब्बत का है। मैं उसके साथ देखना शुरू कर दूँ हेल्थ को हेल्थ का तो उससे कोई ताल्लुक ही नहीं अब जहाँ पे जुपिटर आ रहा है वो बताता है फिर हम राहु और केतु इसको भी देखते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा असर डालता है हम वैदिक में ये देख रहे होते हैं कि राहु केतु क्या असर डाल रहा है हम आपके बुर्ज में उसको बयान भी करते हैं हम ले कर भी आते हैं हम कहते हैं देखें कि जहाँ इस घर में रावर केतु होगा और इस घर में सैट्रन होगा तो क्या पोजीशन बनेगी बड़े स्ट्रॉन्ग हैं बड़े ख़तरनाक हैं वो तो उनकी पोजीशन भी हम देखते हैं तो हम इस तरह सारी चीज़ें करके देखते हैं फिर हम कमर दर अकराब पर भी बनाते हैं हर महीने कि वो ख़ास दिन है जिन में आपने बड़ी एहतियात करनी है कमर दर अकराब एक हकीकत है इस पर बहुत ज़्यादा काम हुआ है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में भी काम हुआ है चाइनीज़ में भी काम हुआ है अब तो वैदिक और चाइनीज़ भी मानते हैं कि इसका असर कुछ ना कुछ नहीं काफ़ी कुछ होता है तो आपको वो भी देखना पड़ता है हम वो भी आपके साथ बड़ी तफसील से बयान करते हैं इसी तरह फिर अगर प्योर वैदिक हो तो मैं बता भी देता हूँ मैं शुरू में ही बता देता हूँ आप वीडियो अब बीच में से देखते हैं कि यार मेरा किधर है बुर्ज सन किधर है मेरा सॉरी मेरा साइन किधर है अगर आप शुरू से देखें तो पहले एक दो तीन मिनट जो भी वीडियो के होते हैं उसमें मैं पूरी डिटेल आपको बता रहा होता हूँ कि ये किस के हिसाब से है वैदिक है सन है असेंडेंट है किसके हिसाब से पूरी डिटेल के साथ आपको मैं उसका बता रहा होता हूँ आप वो देखते नहीं बीच में से जाके देखते हैं अब बीच में से अगर मैंने पाँच या छः बुर्जों को बताना है तो मैं कहता हूँ क्योंकि स्टार्ट में बता दिया मैं अब चौथे पे खड़ा हूँ या पाँचें पे तो मैं नहीं बताता कि ये जिस सन के वाले से है या वैदिक के वाले से क्योंकि मैं समझता हूँ मैंने स्टार्ट में बता दिया या कह लें मैं भूल जाता हूँ या कह लें कि मुझे याद नहीं रहता ये जो भी है तो आप अगर स्टार्ट से वीडियो देखेंगे तो आपको बड़ा अच्छा समझ आएगी उसके बाद जहाँ पर आ, हम आपको वीकली या मंथली या एयरली बताते हैं साल का बताते हैं या मंथ का बताते हैं या वीक का बताते हैं उसमें हम पूरी डिटेल से बताते हैं अब मैंने मंथ की इतनी वीडियो बनाई है जिन्होंने मैंने बड़ी डिटेल के साथ बताया कि इस मंथ के अंदर क्या होगा अब जो मैंने मंथ की बताई हैं उनमें मैंने बताया हुआ है कि देखें इस महीने में आपकी सेहत कैसी रहेगी आप अगर बाहर जाना चाहते हैं तो वो कैसा रहेगा अगर आपकी शादी के मामला आते हैं तो वो कैसा रहेंगे अगर आपके हाँ कोई नेक औलाद आने वाली है तो कैसा होगा अगर किसी की नहीं हो रही तो शादी या किसी की औलाद नहीं हो रही तो अब क्या होने वाला है लेकिन हम उसको भी नहीं देखते उस तरह से आ, आप मंथली मेरा ख़्याल है दो दो सौ व्यूज़ हैं तीन तीन सौ व्यूज़ हैं बड़ा अफसोस हुआ मतलब बड़ा डिसार्ड होता हूँ मैं जब मंथली जो है वो इतनी मेहनत से बनाकर और उसके ऊपर आपके व्यूज़ ही नहीं होते चले आप खुश रहें जित जो लोग मोहब्बत करने वाले हैं वो तो देखते हैं लेकिन बहरहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इस तरह होता है फिर एक और बात है कि बाज़ अवत आपके काम नहीं हो रहे होते जैसे मैंने बताया आपने कहा जी आपने कहा था इस महीने ये हो जाएगा नहीं हुआ उसको देखा करें ना होने की वजह बाज़ अल्लाह तला की तरफ से इम्तहान या आजमाइश ऐसे होती है कि शायद आपने कोई बहुत अच्छा काम कर रहे थे वो छोड़ दिया या कोई बहुत ऐसा बुरा काम था जो नहीं करना चाहिए था वो शुरू कर दिया तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो बाप पर आ, कड़ी निगरानी रख रही है जिस तरह एक माँ के बच्चे पर रखती है ना वैसे कड़ी निगरानी रख रही है और वो आपको रोकना चाह रही है इसकी मैंने पहले भी मिसाल एक दी थी कि जैसे अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो एक माँ है अगर बाहर बहुत से बच्चे खेल रहे हैं उनको लड्डू देगी तो सब ले लेंगे मीठे मीठे लेकिन अगर उन वो बच्चे शोर कर रहे हैं या कोई गलत काम कर रहे हैं तो माँ उनको समझाने के लिए सिर्फ अपने ही बच्चे को थप्पड़ मारेंगी दूसरों को नहीं समझा सकती वो गले पड़ेंगे उनके वालदे तो इस तरह हम अल्लाह के जब महबूब हो जाते हैं जब अल्लाह के करीब हो जाते हैं जब अल्लाह हमें पसंद करता है जब अल्लाह में सही राह पर लाना चाहता है तो फिर वो हमें थप्पड़ लगाता है। फिर वो कहता है कि ये नेक काम था ये सही काम था तुमने तो छोड़ दिया जो गलत था वो पकड़ दिया ठीक है तो फिर वो आपको सही रस्ते पर भी लेकर आ जाते हैं फिर मैंने आपको आखिर में जो बता रहा हूँ बहुत से वजायफ़ बताए बहुत सी कुरानी आयात बताई कुरान तो ऐसा इम है जिसके बारे में अल्लाह तौल ने कहा है कि पहाड़ों पर उतारा जाता तो उनको चलाया जाता पहाड़ों पर उतरता वो जी ज़ीरा ज़ीरा हो जाते ये ऐसा कलाम है जिससे कि पहाड़ों को चलाया जाता फिर मैं कई दफ़ा आपको बताई हैं वो शॉर्ट्स में भी हैं वो भी आप माशाल्लाह नहीं देखते तो आप क्या देखना चाहते हैं मुझे बताएं मैं वो वीडियो बना दिया करूँगा मैंने कई दफ़ा आपसे पूछा है कि आप बताएं आप क्या देखना चाहते हैं अगर आप मेरी तमाम वीडियोस देखें जो मैंने आज तक इल्म इलम से या एस्ट्रोलॉजी से या हॉरोस्कोप के हवाले से बनाई हैं मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको इल्म देने की कोशिश की है उसके अंदर बहुत डिटेल के साथ मैंने आपकी बातें की हैं उसमें बहुत डिटेल के साथ मैंने हर बुर्ज के बारे में बताया उसका साल कैसा गुजरेगा उसकी खसूसियात पर बनाई हैं जो अगर किसी बुर्ज की खसूसियत पर बनाऊँ तो कोई भी नहीं देखता और कोई बुर्ज नहीं देखता हालांकि कई दफ़ा मैंने ये बात बताई है कि आपके ऊपर असर करता है आपके बहन भाइयों का असर है आपके माँ बाप का असर है आप जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनका असर है आपको याद है पुराने ज़माने में अरबियों की तलवारों के नाम होते थे घोड़ों के नाम होते थे सवारीयों के नाम होते थे क्यों होते थे वो इसलिए हुआ करते थे ताकि हर चीज़ का एक असर होता है मैंने इस असर पे कई दफ़ा वीडियो बना के आपको बताई मैंने लोग सदका और का पूछताछ हैं उस तो पूरी वीडियो बना दी आज तक वो वन के नहीं चढ़ी महीना होने वाला एक हज़ार व्यू नहीं है सदका और खैरात के ऊपर बहरहाल वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब शुक्रिया